नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आप जैसे कि जानते होंगे कि चाइना ने हमारे बॉर्डर रीजन्स में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा रखा है, कभी LOC में, कभी LAC में, कभी लद्दाख की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अभी भी कुछ समय पहले चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी तरफ इंडिया की तरफ पे जो बॉर्डर्स लगते हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ के कुछ विलेजेस के ऊपर अपना इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो इसी के चलते सरकार ने भी एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसको कहते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो क्या है ये प्रोग्राम, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे और चाइना और इंडिया के रिलेशंस इससे और कैसे फियर्स हो सकते हैं उसके बारे में भी हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। तो बने रहिएगा, काफ़ी कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अगर हम लोग सबसे पहले, तो यूनियन होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एट किबिथो। तो किबिथो एक विलेज है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर के थ्रू। अब ये जो प्रोग्राम है उसका क्या पर्पस है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो यूनियन बजट के अंदर अनाउंस करी गई थी लास्ट ईयर, जिसमें ये कहा गया था कि हम लोग जो बॉर्डर रीजन्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे उन विलेजेस का, जिससे वहाँ गांव में रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो सके और उन विलेजेस को भी एक आइडेंटिटी मिल सके। जो बॉर्डर रीजन्स जो शेयर हो रहे हैं चाइना के साथ वो कौन कौन से रीजन्स हैं हमारे, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख, जो कुछ 2,963 विलेजेस को कवर करते हैं विथ 663 ऑफ देम टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले इन 663 विलेजेस के ऊपर ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स हैं ये क्रिएट करे जाएंगे बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राम पंचायत। तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत इस लेवल पे इन्वॉल्व होंगी एंड देयर विल नॉट बी ओवरलैप विद द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अलग है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कम्प्लीटली अलग है, जिसमें गाँव के इलाकों को जो बॉर्डर रीजन में रिसाइड कर रहे हैं उनको डेवलप करने के ऊपर काम किया जाएगा। सो इस पूरे प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है? तो देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये रीजन्स हैं, जो आपके बॉर्डर रीजन्स हैं, वहाँ पर इन रीजन्स को एक इकोनॉमिक ड्राइवर्स बनाया जाए। वहाँ के जो लोकल रीजनल लोग हैं, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वहाँ पर बॉर्डर रीजन के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करा जाए और उनको एक्सप्लोर किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रोथ सेंटर्स को डेवलप करा जाए एज अ हब एंड स्पोक मॉडल थ्रू द प्रमोशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ एंड वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स। तो वहाँ के लोग, आप अक्सर जानते हैं कि गाँव के इलाके के लोग जो है वो माइग्रेट करके शहरी इलाकों में आते हैं फॉर द इकोनॉमिक पर्पसेस, बट सरकार ये चाहती है कि उन गाँव के इलाकों को खाली ना करा जाए, इनफैक्ट वहीं पर उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जाए, उनको एम्पावर किया जाए जिससे उन्हें अपने घरों से दूर भी ना जाना पड़े और साथ ही साथ वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो भी हो सके। सो इट इवन लेवरेज द टूरिज्म पोटेंशियल को भी लेवरेज करेगा, उस पर्टिकुलर रीजन्स के कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज और हेरिटेज के बारे में भी लोकल्स को पता चलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल बिजनेसेस के कॉन्सेप्ट्स को भी लॉन्च किया जाए। वन विलेज और वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्टेब्लिश किया जाए थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेटिव्स एंड NGOs। तो इसमें सभी की सहायता की जरूरत है, लोकल रीजनल लोगों की भी सहायता की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव और NGOs की भी ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम का क्या सिग्निफिकेंस है हम ज़रा इसे समझते हैं। सो बेसिकली इट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ग्रिड ऑन LAC, बिकॉज आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड रीजन रहता है जब भी चाइना के साथ इंडिया का जो भी रीजन बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्योंकि चाइना की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा एरिया को इंटरवेंशन उसमें कर सके। सो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ विंडो फॉर द ITBP टू रेस्ट, recuperate and train its personnel. The decision is to raise the additional battalions was taken keeping an eye on the need for the effective monitoring in the border areas as well as for the battalion.
सो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है वो साथ ही साथ एक फाइनेंशियल पैकेज के साथ भी है बॉर्डर रीजन्स के ऊपर और सिक्योरिटी को भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि चाइना के साथ अभी भी हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के अंदर इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है और जो PLA ट्रूप्स हैं वो अभी भी दिप्सांग प्लेम और डेमशोक रीजन के अंदर आज भी प्लेस्ड है। चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रोड्स, अपना डेवलपमेंट कर रहा है और इंडिया को भी इस समय ज़रूरत है कि वो अपना बेस्ट पॉसिबल इन रीजन्स के अंदर डेवलपमेंट कर सके और साथ ही साथ अपनी टेरिटरी को इंटीग्रेट कर सके, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो गांव के इलाके हैं बॉर्डर रीजन्स में, वहां के लोगों को और वहां वो पूरे के पूरे रीजन्स को हम सिक्योर रख सकें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे वहाँ से माइग्रेशन मिनिमम पॉसिबल हो, साथ ही साथ लोगों को वहाँ पर कल्चरल और अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हो सके, जिससे उन्हें अपने घर, अपने शहरों को छोड़कर दूसरी जगहों पे जाकर काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ना जाना पड़े। सो क्या की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे एक टनल बनाई गई है जिसको कहते हैं शिंकुला टनल। सो इट इज़ अ 4.1 किलोमीटर टनल ऑन निपू पादाम दर्चा रोड विच विल लिंक द वेदर विच इज़ अ ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड एंड इट विल लिंक द बॉर्डर एरियाज ऑफ द लद्दाख। टनल तो 2025 दिसंबर तक कंप्लीट हो पाएगी एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टनल बनाई जा रही है फॉर द सिक्योरिटी एज वेल एज सेफ्टी ऑफ द कंसर्न ऑफ द कंट्रीज कंसर्न। इट विल ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज इन दैट रीजन। तो अभी भी आप जानते हैं कि कई जगहों पे ऐसे हिली टेरेन्स हैं और इतने डिफिकल्ट टेरेन्स हैं जहाँ पे आर्मी के लिए इतनी तेज़ी से मूव करना, स्विफ्टली मूव करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस टनल के थ्रू वो पैसेज और वो टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो चाइना की तरफ से इतना डेवलपमेंट हो चुका है उसे भी हम काउंटर कर पाएंगे और हमारी आर्मी, हमारी जो फोर्सेस हैं वो जल्द से जल्द बॉर्डर रीजन के ऊपर रिपोर्ट कर पाया करेंगे। तो इसीलिए शिंकुला टनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो नरेंद्र मोदी, यहाँ पर अमित शाह ये कह रहे हैं जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी रीज़न की वजह से जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। यहाँ ये भी कहा गया कि जो ऑपोजिशन ने इतने सालों में नहीं करा वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ 2 टर्म्स के अंदर करके दिखाया है और वो पैरेलली अपनी गवर्नमेंट के मींस के थ्रू बॉर्डर रीजन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये 3 फेसेस में इंप्लीमेंट करा जाएगा और इस प्रोग्राम का जो गोल है वो है कि किसी तरीके से माइग्रेशन को यहाँ पे रोका जाए विलेज एरिया से और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ उनको सारी सुविधाएँ उनके गाँव के इलाके में ही दी जाएँ। गवर्नमेंट अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने यहाँ पे कुछ 4800 करोड़ रुपीज़ का सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन भी सैंक्शन किया है 2022 फाइनेंशियल ईयर से 2026 तक के लिए और 2500 करोड़ रुपये और ज़्यादा स्पेसिफिकली रोड कनेक्टिविटी के लिए सैंक्शन किए जाएंगे अपकमिंग ईयर्स के अंदर। प्रोग्राम हेल्प करेगा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने में, इनकरेज करेगा टू स्टे इन देयर प्लेसेस जिससे उन्हें माइग्रेट ना करना पड़े एंड साथ ही साथ बॉर्डर रीजन्स को सिक्योर करने में भी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए हेल्प करेगा। अंडर दिस प्रोग्राम देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा इन द एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल्स एंड जितनी भी स्कीम्स बनाई जा रही है वो एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में बनाई जा रही है जिसको 100% इंप्लीमेंट करा जा सके रीजनल बेसिस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को डिटेल में समझा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों चाइना के काउंटर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बॉर्डर रीजन्स को इस समय प्रोटेक्ट कर सकें। सो आपका क्या व्यू है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और चाइना जिस तरीके से हमारे रीजन्स में इंटरवेंशन कर रहा है उसके बारे में आपका क्या टेक है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेस्ट हम लोग अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इससे फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। डू हिट अ लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।